जो बिल्डिंग थी अवैध बनी हुई थी उसे गिराने का हमने नोटिस दिया था, जिसके बच्चा तो लगातार हमसे संपर्क कर रहा था, जानबूझ के एक दिन वो आया, उसके पश्चात मेरे हाथ में उसने नोट गड्ढी ऐसे करके पकड़ा दी जिससे कि नोट का रंग हाथ का रंग लाल हो गया। इस तरह से सुशासन की साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है और मैं इसकी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। तो क्या नाराज हो गए? नाराज हो गए तो मारपीट भी हुई थी क्या? झापड़ किसी ने किसी को मारा? किसी ने किसी को नहीं मारा, मारपीट नहीं हुई, कोई पूरी कार्रवाई। सर आपको जिस तरीके से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसे भी आप किस तरीके से ले रहे हैं? नहीं, अब ये तो ये कार्रवाई आप देख रहे हैं किस प्रकार नहीं, लेकिन कल से ये बताया जा रहा है कि कठुरिया साहब ने खुद मना किया है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहते। मैंने मना नहीं किया किसी से, ऐसा कि आपका पक्ष आप मिलना नहीं चाह रहे हैं? आपने मना नहीं किया था? मैंने किसी को मना नहीं किया है मिलने से, और बिल्कुल मेरा पक्ष जाए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा पक्ष सभी जगह जाए और ये छोटी समझी साजिश के साथ मुझे फंसाया गया। ओके सर। देखिए, मेरी जो ट्रेप की कार्रवाई कल लगभग 2:30 बजे शुरू हुई थी और वो कार्रवाई मेरी करीब रात को 8:30-9 बजे तक ख़त्म हो गई थी जी। परंतु कुछ दस्तावेजों की जो मामले से संबंधित हो सकते थे उनकी तलाश करना मुझे आवश्यक था, जिसके संबंध में मुझे इनके मकान की तलाशी भी लेना था। उस संबंध में आज मेरे द्वारा इनके मकान की सुबह तलाशी ली गई, प्रारंभ की गई। तो जब मैंने तलाशी लिया तो इनके मकान से करीब 15 लाख के लगभग कैश, बहुत सारी FDR और बैंक की पासबुकें जिनमें काफ़ी पैसा जमा हुआ है, और इसके अलावा कुछ एक तो ज़मीन के कागजात, ये सब ट्रेस हुए। तो ऐसा महसूस हुआ कि ये आय से अधिक संपत्ति का भी मामला बन सकता है। तो मेरे हम लोगों द्वारा आज सुबह से आय से अधिक संपत्ति की जांच की जा रही है। जो मिला है अभी तक में उसको मैंने आपको बता दिया, आगे अभी जांच बाकी चीज़ें लाकर वगैरह ये जो हैं, तो क्योंकि आज बैंक भी बंद है, आगे हम उसको फ्रीज करा दिए हैं और आगे उसमें जो भी होगा।